तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम अपने दोस्त के साथ खेलना चाहते हो, यानी कि अगर आपके घर पे है दोस्त या फिर आपके सामने बैठा हुआ है उसके साथ अगर आप गेम खेलना चाहते हो, ठीक है, मतलब फ्रेंड तो आपके पास है लेकिन आप जो फ्री फायर में खेलना चाहते हो, एक साथ खेलना चाहते हो, तो कैसे खेल सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ गेम प्ले करना चाहते हो फ्री फायर, तो कैसे आप प्ले कर सकते हो, कैसे खेल सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस अपने दोस्त से जो कि आपको एक नंबर लेना होगा, ठीक है, जो उसके आईडी का नंबर होता है। यहाँ पर आपको इसके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर देखने के लिए मिल जाएगा आपके दोस्त के आईडी पर। तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ्रेंड का आइकन होता है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उस फ्रेंड को सर्च कर सकते हो। यहां पर अगर आपको ढूंढने से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो यहां पर आप वही नंबर अपना डाल दीजिए। यहां पर डालने के बाद इस तरीके से फिर आपको यहां पर ओके के ऊपर करके उसको सर्च कर लेना है। जैसे आप यहां पे सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका आईडी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए जैसे कि ये वाला बंदा है, इस ये जो कि मेरा दोस्त है, अभी इसके साथ मुझे गेम खेलना है। जब आप सर्च करोगे तो वो पहले नंबर पर आएगा। अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने अपना ही नंबर वहां पर डाला था। तो अभी जैसे इस बंदे का मैं डाल देता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ से इसे मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं यही यहाँ पे चीज़ डाल देता हूँ। ये जो नंबर मैंने कॉपी की है ये मैं अब उस बंदे के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, या फिर आप कॉल वगैरह पे कैसे भी ले सकते हो या फिर व्हाट्सअप वगैरह पे। तो जैसे आपको ये नंबर मिलता है उसके बाद यहाँ पर जैसे उसका नंबर डालोगे उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका आईडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट साइंड कर देना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रिक्वेस्ट साइंड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये सब जैसे मान लीजिए अपने फ़ोन में की या फिर आप अपने दोस्त के फ़ोन में भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, जैसे आप जिस भी फ़ोन में ये सारी चीज़ें की हैं अब उसको छोड़ दे रहे हैं और अब आपको अपने दूसरे फ़ोन पर आना है और अब आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गेम फ्रेंड के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर जो कि एक बंदे का आइकन मिलता है यहाँ पर, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो रिक्वेस्ट देखने के लिए मिल जाएगी जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे जिस भी फ़ोन से। मान लीजिए अगर आप अपने फ़ोन से भेजते हो रिक्वेस्ट तो उस बंदे के फ़ोन पर जाएगी, तो वहाँ पर आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। या फिर आप उससे रिक्वेस्ट लेते हो जब, अगर मतलब आप उसको रिक्वेस्ट अगर अपने फ़ोन से भेजोगे तो वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, अगर आप उसके फ़ोन से अपने पे भेजोगे तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देना और वहाँ पर जो कि आप उसके साथ गेम खेल पाओगे, ठीक है, जब उसके साथ आप फ्रेंड बन पाओगे। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर मेरे गेम में दो फ्रेंड है, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इनको आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।